हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम में एक सवाल है, वो सवाल क्या है आइए देखते हैं। यहां पर देख सकते हैं ये मुकेश कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है पहला सवाल। इसी पहले सवाल ये रिसीव्ड 200 रेंट पे इन्होंने रिसीव किया, रेंट का जो किराया है इन्होंने रिसीव किया, तो जिसके लिए मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो बनाया था उससे ये काम हो जाएगा। दूसरा सवाल इनका ये है, स्टार्टेड बिजनेस, तीसरा सवाल है एक्चुअली, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 400। तो कैश रुपीज 400 से बिजनेस प्रारंभ किया, इसकी एंट्री कई बार मैं बता चुका हूं, आसान है, बहुत आसान है। क्या है आइए देखते हैं। यहां से टैली प्राइम को ओपन करते हैं। जब हम नई कंपनी बनाते हैं तो उस समय बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है हमें। एक बार चलिए कंपनी पे चलते हैं, यहां से F3 प्रेस करते हैं और चलते हैं, देखते हैं हमारी कंपनी कौन सी थी। तो यहां पे देख सकते हैं ये वो कंपनी थी जिसमें, तो ये देख सकते हैं ये वो कंपनी है, इसे मैंने ओपन कर लिया। अब यहां पर बिजनेस कितने से स्टार्ट किया, 400 रुपए से। 400 रुपए से स्टार्ट करें, 4000 से स्टार्ट करें, 40000 से स्टार्ट करें, 4 लाख से स्टार्ट करें। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। तो हमें एक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना होगा। तो वाउचर में चलते हैं, कौन से वाउचर में एंट्री पास होगी। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो जब भी बिजनेस में पैसा रिसीव होगा तो कहां जाएगा, रिसिप्ट वाउचर में। एकदम आसान है, ये रिसिप्ट वाउचर में गए। अब यहां क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट किसको करते हैं, कैपिटल अकाउंट को करते हैं। तो यहां से अल्ट सी करके कैपिटल अकाउंट का आपको एक लेजर क्रिएट करना होता है, कैपिटल अकाउंट इस तरीके से आप लिख देंगे और इसे अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप में अगर कंफ्यूजन होती है तो खूब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको ग्रुप्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, काम हो गया। कितना इन्वेस्ट किया, 400। अगर आप 4000 करते हैं, 4 लाख करते हैं, 4 करोड़ करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक का लेजर यहां लगा दीजिए। अगर कैश कर रहे हैं तो कैश का लेजर पहले से बना होता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये कैश कर दीजिए। ये हो गया, एंटर किया, एंटर किया, 400 रुपए बिजनेस में डाल दिए गए। अब यहां पर जो 400 रुपए डाले गए उसे गेटवे ऑफ टैली पर आकर के आप देख भी सकते हैं, ये वो एंट्री है 400 रुपए रिसीव कराने वाली, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हमारा है कुल मिला के हिसाब किताब, कितना हमारे पास बचा हुआ है अमाउंट, उसको देखने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये भी है कि यहां आप वाउचर में चले जाइए, ठीक है। वाउचर में जैसे जाएंगे, कैपिटल अकाउंट यहां लगाएंगे तो यहां पर आपको 400 रुपए दिखेंगे, यानी बिजनेस में कितने रुपए लगाए जा चुके हैं, 400 रुपए केवल अब तक लगे हैं। ये देखने का तरीका है। मान लीजिए डेट चेंज किया, F2 करके डेट चेंज किया, यहां कर दिया मैंने 1/7/2022, 1/7/2022 में कुछ और भी पैसा रिसीव हो रहा है, जैसे मान लीजिए 500 रुपए और रिसीव हो गए, तो 400 पहले से थे, 500 और रिसीव हो गए, कितने हो गए, 900 हो गए ना। अब जब यहां आप आएंगे, कैपिटल अकाउंट का लेजर लगाएंगे तो कैपिटल आपका 900 दिखाएगा। अगर 10,000 और बढ़ा दिया, देखिए 10,000 और बढ़ा रहा हूं सेम डेट पर, तो ये 10,000 और बढ़ा दिया तो 10,900 कुल अमाउंट हो जाएगा। तो जैसे ही यहां सी प्रेस करेंगे, कैपिटल अकाउंट का लेजर लगाने की कोशिश करेंगे तो यहां 10,900 बैलेंस दिखाएगा। तो यही तो है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं एंट्री। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।